किसी को आप फ्री देते रहोगे ना वो कभी भी काम नहीं करेगा। जेंट्स के लिए नहीं करा था, बिजली किसके लिए फ्री है, पानी किसके लिए फ्री करा है, 200 यूनिट से ज्यादा अगर फूकेंगे पूरा बिल भरना पड़ेगा। आप एसी में नहीं सोते, आप फ्री में ना, तुम तो जॉब कर रहे हो, किसी के पास जॉब नहीं है, हम जॉब लेस है, हमसे पूछो आज 7 साल में क्या हो गया, जेब में साढ़े हुए एक पैसा नहीं है, बस किसके लिए फ्री है, क्या तुम्हारे आगे भीख मांगे क्या, बस किसके लिए। आप समझ रहे हैं, आप बात सुनिए, स्वार्थ तो सबका निज होता है, मगर निज को बड़ा करने की जरूरत है। एक जो फौजी लड़ रहा है ना वो भी अपने स्वार्थ में लड़ रहा है कि मेरा देश है, मगर आप पानी, चाय पत्ती, इलेक्ट्रिसिटी, घर का नल, इसके चक्कर में वोट दे आए, ये कोई बात नहीं बनेगी। आप बड़ा देखिए ना, कहाँ डेवलपमेंट है, मुझे दिखाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। आज जनता से बात करेंगे कि जनता को एग्जिट पोल पर कितना विश्वास है, जितना एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है क्या यही सच्चाई है या कुछ बड़ा धमाका हो सकता है। तो आइए जानते हैं जनता से, सर क्या लगता है कितना विश्वास है एग्जिट पोल जो दिखाई जा रहे हैं। देखिए जो मतलब केजरीवाल के एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है ये हमें बिल्कुल पूरी तरह से सही नहीं है। एग्जिट पोल के हिसाब से आम आदमी पार्टी की जीत दिखाई दे रही है, क्या लगता है आपको कि पार्टी बन जाएगी या लास्ट में कुछ धमाका होगा? नहीं, धमाका कुछ नहीं होगा, सरकार बनेगी। फिर क्यों ईवीएम पर अरविंद केजरीवाल जी अभी से रोना स्टार्ट किए हुए? नहीं, उन्होंने कोई रोना स्टार्ट नहीं करा है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनकी सरकार बनेगी। अच्छा जी, जी सर आपको क्या लगता है एग्जिट पोल कितना सही और कितना गलत है? एग्जिट पोल मेरे को नहीं लगता जितना बताया गया उतना सही जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मन में भी ये कहीं ना कहीं है कि एग्जिट पोल उतने करेक्ट नहीं है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है। उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है, बीजेपी थोड़ा भी करीब आ जाती है तो वो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देंगे। एग्जिट पोल के बाद मनोज तिवारी जी का कहना है कि बीजेपी की 48 सीट्स आ सकती हैं, आएंगी। मुश्किल है क्योंकि मैं खुद उस समय जब मतदान हो रहा था मैं था वहाँ पे, मैंने देखा, खुद ने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे जो कोर वोटर बीजेपी का है जिसे माना जाता है कि पढ़े लिखे लोग और एक जो ऑफिशियल टाइप काम करता है वो लोग नहीं थे लाइन्स में, वो लाइंस में नहीं थे, कहीं ना कहीं वो कम थे, वो गए नहीं। सर क्या मुद्दे रहे होंगे अगर सरकार नहीं आती है? सरकार नहीं आती है तो यही है कि केजरीवाल ने सबको पता है 4.5 साल यही रोना रोया कि केंद्र काम नहीं करने दे रहा है, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, मोदी जी काम नहीं। अब चीजें उनके हाथ में थी, जैसे ही लास्ट 6 मंथ आए उन्होंने सब कुछ फ्री कर दिया, उन्होंने चॉकलेट दे दी वो फ्री वाली। क्यों करा भाई, उन्हें मोदी जी काम नहीं करने दे रहे थे, वो धरने पे बैठे एलजी के यहाँ पर जा करके, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना दायर करा, उसके बाद में एलजी ने साफ मना कर दिया कि भाई मुख्यमंत्री अपना अपना काम खुद करेगा, उसके बाद काम हुआ है ये सब। तो स्किल डेवलप के लिए कोई कोर्स कराते ताकि यहाँ से बच्चा डिस्ट्रीब्यूट होके मतलब स्टेट लेवल पे काम करे, कंट्री लेवल पे काम करे, यूनिवर्सिटी बना तो रहे हैं वो। तो ये महिला का जो ये जो दिया है पैसा, आप बोलो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बना तो रहे हैं वो। कौन सी यूनिवर्सिटी सर ने कहा, सर ने कहा एससी में, सर ने वो भेजी, केजरीवाल सर ने भेजी, आप बताइए। और ये बताइए 4.5 साल थे तब भी तो भेज सकते थे सर वो। सर उन्होंने आखिरी टाइम पे क्यों भेजी कि 6 महीने पहले मेरे को करनी बिजली फ्री, और सर वो बिजली फ्री वो अपने पैसे से नहीं कर रहा, फंडिंग सेंटर ही करता है उसको, वो सेंटर का पैसा, वो उसका पैसा नहीं है, और वो टैक्स पेयर का पैसा जो टैक्स पेयर कर रहा है। थैंक यू बोलना, सरकार ने कभी दिल्ली को दिया है कभी कोई पैसा? बीजेपी के सेंटर का पैसा है, दिल्ली टैक्स पेयर का पैसा, तो टैक्स सेंटर गवर्नमेंट ने कोई पैसा दिया है? मैं टैक्स भरता हूँ, मेरा पैसा है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहूंगा, वन सेकेंड, मैं नहीं चाहूंगा एज ए यूथ, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी कंट्री स्टिल वही पे रहे कि गरीब को गरीब ही रखा जाए। मैं चाहता हूँ मेरे देश का जो गरीब है ना भाई, वो आए और खर्चे, कहाँ खर्चे, मैगडी में बैठे, ये नहीं कि वो फ्री का खातर है। ऐसा डेवलप करना है कंट्री को, ऐसा नहीं फ्री में ले लो, फ्री में ले लो, नहीं 10 नहीं 100 साल नहीं होगा कि फ्री में देते रहोगे तो कमाएगा ही नहीं ना भाई। दस साल में कितनी बार मैगडी में बैठे हो और कितनी बार गर्लफ्रेंड को डेट पे लेकर के गए हो, कितने पैसे खर्च करे बताओ ना, सुनो योर चिल चिल्लाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कौन, हेलो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मेरी बात सुनो, फ्री में बैठ जाएगा क्या? आपके पास पैसे तो आप मैगडी में जा रहे हो, जिसके पास नहीं है वो क्या करे, वो आपसे मांग के लेके जाएगा? आप बिल्कुल हमारी तो सुनो, किसी को आप फ्री देते रहोगे ना
वो कभी भी काम नहीं करेगा। जेंट्स के लिए नहीं करा था, बिजली किसके लिए फ्री है, पानी किसके लिए नहीं करा है, 200 यूनिट से ज्यादा अगर फूकेंगे पूरा बिल भरना पड़ेगा। आप एसी में नहीं सोते, आप फ्री में क्यों, मैं कमा के सोता हूं ना। कहां है फ्री भाई, कहां है भाई, मेरी सुन। अरे भाई कहां है फ्री, 200 यूनिट फूकने पे पैसा किसका? अरे ये तो बताओ दोस्त, तुम जो करो फ्री कहाँ है भाई फ्री? अरे 200 नहीं फ्री है ना तुम्हारा, जब ऊपर फूक जाएगा तो ऊपर फूकेगा। 200 तो फ्री हो गया, 200 तो फ्री हो गया भाई, 200 तो फ्री है। चलो बहस नहीं करनी मुझे तुमसे, तुम्हारे पास पता भी नहीं, बताओ ना, आपको तो पता है, आप तो पढ़े लिखे हो, गरीबों से पूछो ना। क्या तुम खाने को दे रहे हो क्या, खाने को दे रहे हो? यस आई एम पेइंग मैन, आई एम पेइंग। अरे भाई दे रहा हूँ, भरता हूँ और फ्री नहीं जाता मैं, कुछ भी फ्री नहीं जाता, मैं नहीं चाहता मैं दिल्ली की बस में फ्री करूँ ना। तुम तो जॉब कर रहे हो, किसी के पास जॉब नहीं है, हम जॉब लेस है, हमसे पूछो आज 7 साल में क्या हो गया, जेब में साढ़े हुए 1 पैसा नहीं है, बस किसके लिए फ्री है? क्या तुम्हारे आगे भीख मांगे क्या, बस किसके लिए फ्री है? देखो अरे भाई कहाँ है, कुछ नहीं होता, लोग यहाँ पे बैठ के बैग्स बेच रहे हैं, आप लोग यार पानी पूरी बेच रहे हैं, आप काम कर सकते हो, कोई मना नहीं करते। सुनो नहीं एक बात बताओ, यदि ऐसा है ना, यदि जॉब नहीं है ना तो बेटा इतने लोग क्या कर रहे हैं, रोटी खानी है तो जो जितने में रोटी तभी आई यहाँ पे ना, कोई भी आदमी आया है। इलेक्शन का जो मामला है ना, सुन बेटा, वो अब मतपेटियां बंद हो चुकी है और इसका डिसीजन कल, क्योंकि हम तो वैज्ञानिक उसमें जाते हैं प्रैक्टिकल, कल वो खुलेगा और सब पता लगा है। उनके लिए सड़क भी चाहिए, उनके लिए स्कूल भी चाहिए, सुनो मैडम, उनके लिए स्कूल भी चाहिए, जरूरत होती है, आप समझ रहे हैं, आप बात सुनिए, स्वार्थ तो सबका निज होता है, मगर निज को बड़ा करने की जरूरत है। एक जो फौजी लड़ रहा है ना, वो भी अपने स्वार्थ में लड़ रहा है कि मेरा देश है, मगर आप पानी, चाय पत्ती, इलेक्ट्रिसिटी, घर का नल, इसके चक्कर में वोट दे आए, ये कोई बात नहीं बनेगी। आप बड़ा देखिए ना, कहाँ डेवलपमेंट है, मुझे दिखाइए मैडम, वही इनसे लीजिए ना। मेरा कहने का मकसद ये है कि देश हित को पहले देखो, मेरा कहने का मतलब देश हित पहले। इस टाइम दो मुद्दे लड़ रहे हैं, एक है निजी स्वार्थ, एक होता है देश हित, ठीक है? तो देश हित को पहला देखो और उन लोगों को दो जो गरीब हैं यार, गरीब तबके के, उनको दे दो। क्या कहने का मतलब, मैम जो भी एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं उसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बन रही है, लेकिन तब भी वो ईवीएम हैकिंग पर रो रहे हैं, क्योंकि उनको अभी अपने अंदर से पता है कि उन्होंने कोई काम करा है नहीं। उन्हें पता है कि लोग ऊपर ऊपर से कुछ भी बोलें, लोगों ने वोट बीजेपी के लिए ही किया है, क्योंकि एक्चुअली बहुत काम हो रहे हैं बीजेपी के, तो वो जो वो डर है ना अंदर, वो डर बोल रहा है कि तब जाएंगे अगर वैसा रिजल्ट आ गया तो मैं कैसे अपनी झेप मिटाऊंगा, पहले से ही नाटक कर दूं, जो उनका है शुरू से कि मैंने इतने साल दिल्ली में काम नहीं करा इसलिए मोदी जी ने करने नहीं दिया। अगर जो लोग पढ़े लिखे हैं उन्हें पता है कि सेंटर कैसे इंटरप्ट नहीं कर सकता है जिन कामों में, वो पुलिस का रोना रोते हैं, वो तो हमेशा से ही होम मिनिस्ट्री के अंडर रही है, कोई पहला सीएम तो नहीं आया जिसके से छीन ली गई, तो इनका ये रोना क्यों रहा है? मैम अभी जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, क्या ये सही है, लास्ट में कुछ धमाका हो सकता है? माई हार्ट सेज द दिल्ली विल गो टू बीजेपी एंड इट शुड बी। ऐसा है ना, बिल्कुल सही बात करें, क्योंकि अभी देखो हरियाणा में चुनाव हुए थे, हरियाणा में जब चुनाव हुए थे तो बोला भाई बीजेपी 68-70 आ जाएगी, सब ने बोला था, ये चल रहा था कांग्रेस को या उसको दिखाने देते, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि उसमें वो 40 पे आए और वो कांग्रेस जो है 30, मतलब एग्जिट पोल फेल हो जाते हैं। प्रैक्टिकल कल है, कल खुलेंगे बैलेट पेपर, कल पता लगेगा, ऐसे बोलने से कुछ नहीं हो, 1000 आदमी पे कर लिया सारे, तो उससे कोई वो नहीं होता। जी सर आपका कहना नहीं, नहीं जो एग्जिट पोल्स आप लोग देख रहे हैं वो एग्जिट पोल सिर्फ 1:30 बजे तक के रिकॉर्ड किए गए हैं, 1:30 बजे के बाद वोटिंग 8-8:30 बजे तक की वोटिंग हुई है, लास्ट के 3 घंटे के आपके पास कोई एग्जिट पोल्स नहीं है। तो जो बेसिस पे, जिस बेसिस पे उन्होंने एग्जिट पोल दिया उसमें केजरीवाल जी जीत रहे हैं। अब जब उनको 3 घंटे का डेटा पता चल रहा है कि जो 3 घंटे में 33% वोट 3 घंटे में पड़े हैं लास्ट के, और अगर उसमें से 20% भी वोट बीजेपी को गए हैं तो पूरे साफ साफ बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है, उसी चीज का डर उनको सता रहा है केजरीवाल जी को। बिल्कुल एकदम मीडिया पे छाए हुए, बिल्कुल इसीलिए स्ट्रांग पोजीशन पे मनोज तिवारी एकदम छाए हुए, और केजरीवाल सर लटका के ऐसे देख रहा हूँ कि लग रहा है कि एक बड़ा कोई चीज उनके साथ मिस हैपनिंग हो गया उस तरीके से।
वो उसको पक्की तरीके से जुए की तरह ले जा रहे हैं ना। जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हमारी ईवीएम का खराबी है। केजरीवाल जी का कहना था कि मैं काम पर वोट मांगूंगा, क्या लोगों ने उनको काम पर वोट नहीं दिया होगा? केजरीवाल जी ने किस बेस पे काम पे वोट मांगा है? कितने काम करें केजरीवाल जी ने, जरा मेरे को ये तो बताया जाए। मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मुझे तो चाहूंगा सिर्फ तीन काम बताएं मुझे, कि तीन काम जो केजरीवाल ने किए हों मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, जो भी आपका सिर्फ तीन काम यार। फ्री वो कौन सा फ्री किया है? फ्री क्या निकाला? उन्होंने जो बोला था कि मैं यहाँ पर जो एजुकेशन है वो इम्प्रूव करूंगा, ठीक है। हम लोग बीजेपी के वोटर्स थे, मगर पिछली बार मैंने केजरीवाल जी को वोट दिया था बिकॉज एक होप था उनसे कि वो आके करप्शन हटाएंगे, वो आके एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे। बट करप्शन का आप देखिए एंड में, आपने देखा हो अभी ही उनका ही स्कैम आया है, ठीक है। उनका जो सिक्योरिटी ऑफिसर ओएसजी था जो उनका, उसके ऊपर स्कैम का चार्ज लगा है, ठीक है। सेकंड, स्कूल की बिल्डिंग बनाने से क्या एजुकेशन इम्प्रूव होती है? बच्चा निकलेगा पास आउट होके, वहाँ के टाइल उखाड़ के लेके जाएगा कि वाह मेरा सुंदर कितना स्कूल है, मैं टाइल ले जाता हूँ, वो एजुकेशन लेके जाता है। देर आर नो टीचर्स, देर आर नो नथिंग, नो प्लान। जो पहले कांग्रेस से गलती हुई थी कि जो 8 तक पास होते रहेंगे बच्चे, अभी भी वही सिस्टम है, ठीक है। वो कहते हैं कि सेंटर का है ये पार्ट, सेंटर नहीं कर रही है। तुम्हारे पास जो पार्ट था स्कूल के अंदर टीचर्स को लगाना, उनको इतना ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा देना कि उनको वो 8 तक का वो जो कॉम्पेंसेट हो जाता टाइम, वो भी नहीं करा, उसके लिए क्या करेंगे? मैम कांग्रेस की तो सीट खुली भी नहीं है, लेकिन उनका कहना था कि हमारी बहुमत की सरकार आएगी। अब यूपी में भी आ रही थी बहुमत की गवर्नमेंट, तो एसपी की और बीएसपी की, कांग्रेस की, यूपी में भी बहुमत आ रही थी इन लोगों की। और 300 पिछले जब 6 महीने से जब उनको फ्री देना ही था इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड बस, जो लेडीज के लिए चाहे आम पब्लिकों के लिए जब फ्री करना ही था 6 महीने से, तो 6 महीने के लिए ही वो कुर्सी पर बैठते। पिछले 5 साल के लिए वो कुर्सी पर क्यों बैठे? 6 महीने के लिए ही बैठते, जब क्या 4.5 साल से क्या सरकार सोई हुई थी कि जो कि अब इनको याद आया कि हाँ भाई इलेक्ट्रिसिटी फ्री करो, ये पानी फ्री करो और ये लेडीज के लिए बसेस फ्री करो। देखिए केजरीवाल तो वो फ्री का तो झांसा तो देंगे देंगे, लेकिन मोदी जी ने साफ साफ कह दिया है कि ना मैं फ्री दूंगा, ना मैं फ्री किसी को खाने दूंगा, परंतु हाँ मैं इस पूरे राष्ट्र को इतना सक्षम बना दूंगा कि देश का हर युवा, देश का हर नौजवान, हर नागरिक अपने दम पे अपनी रोटी खुद की मेहनत से कमा सकता है। और हाँ यही चाहिए। और दूसरी बात, और रही बात केजरीवाल की, तो उन्होंने पहले से ही चिट्ठा तैयार कर रखा है कि हारने के बाद हमें क्या क्या बहाने बनाने हैं। उन्होंने पहले से ही पूरा मेन्यू तैयार कर रखा है। जीत गए तो जीत गए और नहीं जीते हार गए। यार देखिए ये तो बस ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम ही सब कुछ कर सकते हैं। राहुल गांधी कहेंगे क्या? देखिए भैया ये मोदी जी ठीक नहीं कर रहे हैं, ईवीएम से उन्होंने हाई कर दिया। बड़ा धमाका ही होगा क्योंकि ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसने खरीद रखा है इस बार, ठीक है। सोशल मीडिया, आप सच्चाई सोशल मीडिया बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल हार रहा है। नई दिल्ली से औरों की बात करें, वो अपनी सीट तो खुद हार रहा है। उससे पूछो उसके साथ में कोई वोटर था नई दिल्ली का जो बात बना रहा है वो इतनी, यहाँ मेरा उसका एक ऑफिस तक भी नहीं है नई दिल्ली में, किसके पास जाए? मैं नई दिल्ली का वोटर हूँ, उसको देखा नहीं मैंने 5 साल यहाँ पर। सर बोल रहा है वो जीत जाएगा, अपनी जमानत जब उसकी खुद की होगी, वो बात बना रहा दूसरे को, सुन लिया था कि सामने टिकेगा नहीं वो। और गारंटी से कह रहा हूँ मैडम, मैं कल के बाद फिर मिलूंगा मैं आपको, जो बोल रहा ना वो कल मैं फिर मिलूंगा आपको यहाँ पे। जिन वोटों पे हम जीत रहा था वही वोट है, हम उन्हीं वोटों पे जिन पे जीत के कहता था वही वोटर हूँ मैं। और आज वही बता रहा हूँ, उसके मुंह पे ऐसा तमाचा, वैसे तमाचा नहीं, उसकी आत्मा में तमाचा लगेगा, उसकी कुर्सी छिनेगी जिन चारों पे बैठ रहा था ना वो छिनेगी कल उसकी। कितनी सीटें आ सकती हैं बीजेपी की? बीजेपी की मैडम 40 से 48 सीटें आएंगी, इतना मैं आपको बता दूं। और उसकी ना अपनी सीट की खुद की हारने के बाद में ना वो उसकी 15 से 15 सीट्स के अंदर अंदर आएंगे। अभी तो एग्जिट पोल के हिसाब से जीत ही रहे हैं, तब भी ईवीएम पे क्यों रो रहे हैं? तो मैं बता रहा हूँ उनका कहना आंकड़ा है, एग्जिट पोल जो होता है अनुमान आंकड़ा होता है, मीडिया के द्वारा बताया जाता है, वो सर्वे करता है। लेकिन 50-100 हजार लोगों से जानकर कैसे पता चल जाए कि यहाँ का मतलब मैक्सिमम जो वोट है जो आम पार्टी के लिए मिली है या बीजेपी के लिए मिली है? जो मैं ना अगर पेपर, जो बच्चा पेपर दे के आता है ना, वो घर पे बोलता है कि मैं बहुत अच्छा पेपर गया, लेकिन असली तो उसके दिल को पता होती है कि मेरा पेपर कैसा गया है रिजल्ट, क्योंकि जैसे उसकी पढ़ाई होती है ना तो उस हिसाब से उसको पता होता है। तो उसको पता है कि उसका रिजल्ट 0 है, तो रोने का बहाना तो चाहिए ना मैडम, तो इसलिए उसने रोने का बहाना करा दिया कि ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया, ये उसकी पॉलिसी है। इसी में अगर हार जाएगी आम आदमी पार्टी तो हारेगी मैडम, हारेगी 200% हारेगी, उसका रिजल्ट उसको खुद पता है।
मैं भी पेपर देता हूँ, पढ़ के आता हूँ, एक साल तैयारी करता हूँ, मुझे पता है कि भाई मैंने क्या तैयारी करी है। और जब उसके बाद भी मुझे घर वालों से भी बचना है अपने, कि मैं बोलता हूँ मम्मी ऐसा हो गया भाई, वैसा हो गया, मैं पास हो रहा था, मेरे को फेल कर दिया, तो बचना है ना अपने को अपने घर से, तो वो उसका हाल है। एग्जिट पोल के हिसाब से आम आदमी पार्टी जीती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहना है आपका? जोन कुछ नतीजा है कल सामने आया, एग्जिट पोल का सही है, कहा है वो जनता का सही की थी, तो 11 तारीख का एकदम क्लियर हो जाए, कहा जनता सही की। आपने वोट दिया है? नहीं, हमने तो वोट नहीं दिया है। कहाँ से आप? हम बाहर से हैं, हम यूपी से हैं। दिल्ली का वोटर हूँ मैं बता रहा हूँ, मैं नई दिल्ली का उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर हूँ मैं, मुझे पता उसकी क्या हालत है यहाँ पर, उसके मैं यहीं से, मैं कनॉट प्लेस का वोटर हूँ भैया, एक मिनट रुको, मैं यहीं का वोटर हूँ। उसके साथ ना एक लोकल वोटर भी नहीं था यहाँ पे, उसके कैंपेनिंग जो करी थी ना वो सब उसको सब बाहर गए थे, उसके साथ में सुनील यादव के साथ में ना, जितना भी था बीजेपी के साथ में, और वही सामने अपोजिट दिखा रहा है केजरीवाल को, ऐसे ही एकदम साइलेंट मोड में है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि जो दबंग होता है, जो काफी मतलब एक जैसे एक एग्जांपल दे लेता हूँ कि ज्यादा अगर पेड़ में फल लटका रहता है तो वो झुका रहता है और उसका चेहरा कुछ और ही रहता है, उसी तरीका से मनोज तिवारी काफी स्माइली के साथ लग रहा है कि बुलंद के साथ वो बीजेपी के साथ मतलब इस बार इलेक्शन कहना है कि बीजेपी की 48 सीट्स आएंगी मैडम, मुझे लगता है कि और ज्यादा ही होगा, ज्यादा ही होगा, लेकिन कहने का मतलब है ये है कि जिस तरीका से सोशल मीडिया पे उनका फोटो आया मनोज तिवारी का, इसे साफ लगता है कि पूरी मजबूती स्थिति में है। टिप्स पे बता रहा हूँ, वो सारी सीटें हार रहा है इस बार, नई दिल्ली की भी खुद ज्यादा फ्री कर दिया ना, इसीलिए जनता खुश हो, सुनो सुनो कोई बात नहीं, ज्यादा फ्री करने के बाद इसीलिए जनता खुश हो गए, इनको हटाना है, इनको हटाना है, मोदी जी को लाना है, यही बात है, इसको लाना है। 200 यूनिट में किसका भला हो रहा है, 201 यूनिट आएगा, पूरा बिल भेजना पड़ेगा, तो लोगों को चूतिया बना रखा है कि मैं 200 यूनिट फ्री दे रहा हूँ, कहाँ दे रहा है? अगर वो फ्री दे रहा है, ये जनता का दिमाग को चलाने का तरीका, अगर वो फ्री दे रहा है तो कहाँ से दे रहा है? अपने घर से तो पैसा ला के दे नहीं रहा है, जनता का पैसा ले रहा है, जनता को दे रहा है, आम आदमी को जनता को लग रहा है कि नहीं केजरीवाल फ्री में बांट रहे हैं। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं एग्जिट पोल की, एग्जिट पोल 6 बजे खुला, जब तक जब इलेक्शन वाले बोले कि 31% वोटिंग हुई है, तब 28% से लेकर 31%, 8 बजे पता चलता है कि 61% वोटिंग हुई है, तब आप एग्जिट पोल दिखाइए। और अब देखिए बहाना आदमी क्या होता है ना, बहाना ढूंढना है, वो ऐसे भी हार रहे हैं, अब वो एक इल्जाम लगाएंगे कि मोदी जी थे आए ईवीएम मशीन बदल दिए, झाड़ू में दबा रहे हैं तो कमल में जा रहा है, अगर यही अगर इतना खराब रहता तो विदेश वाले हमसे मशीन नहीं मंगाते। आपको अगर जानकारी होगी तो आप जानिएगा कि विदेश वाले जो है सो इंडिया से मशीन मंगा रहे हैं। सर एग्जिट पोल के हिसाब से हर जगह आम आदमी पार्टी की जीत दिखाई दे रही है? नहीं, हमें जो है ना 47-47 बीजेपी का है, 47-47, बाकी कुछ कांग्रेस भी लाएगा 1-2 सीट, मेरा अंदाजा बता रहा है, और केजरीवाल का तो पता साफ है। सर एग्जिट पोल के हिसाब से आम आदमी पार्टी की जीत दिखाई दे रही है, क्या लगता है आपको कि पार्टी बन जाएगी या लास्ट में कुछ धमाका हो सकता है? धमाका तो सरकार बीजेपी की बनेगी, अभी एग्जिट पोल के हिसाब से पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ईवीएम पर रो रहे हैं। झारखंड में भी यही हुआ था, उल्टा हो गया ना, उसका कोई नहीं है, पब्लिक इनका गोपनीय वोटर है, सरकार बीजेपी की बनेगी। एग्जिट पोल के बाद मनोज यादव जी का कहना, मनोज तिवारी का कहना है कि बीजेपी की 48 सीट्स आएंगी। अरे उनको तो विश्वास है ना, प्रदेश अध्यक्ष है, उनका हर बूथ से कांटेक्ट है, हर जगह है, तो बोल तो रहे हैं सही बात। बड़ा अच्छा कोई मिमिक्री कर रहा था केजरीवाल की, अब नरेंद्र मोदी की भी सुन लो। नमस्कार भाई और बहनों, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। अगर मैं अपनी तरफ से जियो सिम फ्री दे सकता हूँ तो केजरीवाल भी दे रहा, तो क्या बुरा भाई और बहनों। अगर एक चाय बेचने वाला बिस्कुट फ्री में साथ दे सकता है तो केजरीवाल जी ने फ्री कर दिया, तो आपको क्या दिक्कत हो रही भाई और बहनों। आप वही लोग हैं जो 40% डिस्काउंट अगर 30% हो जाए तो घबरा जाते हैं। और मैं एक बात और, अब मैं ये सब मजाक मस्ती अलग की जाए, मैं एक फैक्ट बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं दिल्ली से ही हूँ, मेरा पटना एम्स में ट्रांसफर हुआ है, तो वहाँ मैं जब ही गया हूँ तो एक्चुअली बिहार एकदम गया, तो वहाँ के लोग यही बोल रहे हैं कि हमें दिल्ली बड़ा महंगा लगता था,
लेकिन अब अच्छा है कि फ्री हो गया तो हमें अच्छा लग रहा है, हम विजिट करना चाह रहे हैं कि दिल्ली में हम काम करें जाके। तो ये मतलब लोगों की ओपिनियन, मरीजों के आते हैं, बस इतना बोलना चाहता था। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ भाई, बट थैंक यू सो मच। सर जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं उस हिसाब से आम आदमी पार्टी जीत रही है, क्या लगता है आपको कि जीत जाएगी, लास्ट में कुछ धमाका हो सकता है? देखिए मैं इतना देखो, एग्जिट पोल प्रैक्टिकल बात करी जाए तो एग्जिट पोल तो कभी भी चेंज हो जाता है, कुछ नहीं है। अभी एक भैया ने बहुत अच्छा बोला कि वो 1:30 बजे तक के आए थे, उसके बाद जो अलग हुआ है 34% हुआ, क्योंकि ये पहली बार 7 बजे के बाद तक वोटिंग हुई है ना। तो कल तक जो प्रैक्टिकल आएगा आने दीजिए, कोई भी आए, सरकार अच्छी चलनी चाहिए, दिल्ली को अच्छा रखे जैसे 2014 से पहले कांग्रेस ने रखा था, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, बस इतना मैं सबको बोलना चाहता हूं। अभी घबराहट थी इलेक्शन में आने से पहले और आज भी घबराहट है केजरीवाल को, क्यों? क्योंकि इन्हें पता था हम नहीं जीत पाएंगे, तो इन्होंने पहले फ्री का कार्ड खेला, फ्री का कार्ड खेला। जो लोग यहाँ समर्थन कर रहे हैं, हमें फ्री मिला, आप सोचिए कि ये लोग पैरासाइट्स पैदा कर रहे हैं। एक घर में अगर एक बच्चे को पता है मुझे रोटी मिलती रहेगी तो वो नौकरी नहीं करेगा। आप लोगों में फ्री की आदत डाल रहे हैं, तो लोग रोजी रोटी के लिए कहाँ से जाएंगे जब उनको फ्री की आदत? आप जनरेशन को खराब कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा हानि इसी से हो रही है, फ्री की आदत डालना। आपको टैक्स आ रहा है, आप उनको कमाने के साधन दो, उनकी इनकम बढ़ाने के साधन दो, ना कि उनको फ्री दो।